एवरीवन, कैसे आप सब लोग। माय नेम इज वंदना, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आप लोगों के सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गई हूँ। और हाँ, मैं आज कहीं जा नहीं रही हूँ। आज मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं एक चैलेंज वीडियो करूँ अपने भाई के साथ। बहुत टाइम से हम लोगों ने चैलेंजिंग वीडियो नहीं की थी। और वैसे देखा जाए ना तो चैलेंजिंग वीडियो करने के पीछे ना कोई रीजन जरूर होता है। और हाँ, मेरा भी एक रीजन है कि यार जब मैं सुबह उठी तो मेरा ना मतलब सिड्डू खाने का बहुत ज्यादा मन कर रहा था। अब आप में से मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होगा कि सिड्डू क्या चीज है। सिड्डू हमारे यहाँ की एक ट्रेडिशनल डिश है जो कि काफी ज्यादा टेस्टी होती है यार खाने में। और सच बताऊं तो मैं ऐसे टाइम पे ना मम्मा को बहुत ज्यादा मिस कर रही थी, क्योंकि मम्मी के हाथ का यार सिड्डू खाने में ना नेक्स्ट लेवल का मजा आता है। तो फिर मैंने सोचा यार कि सिड्डू बना लेती हूँ। लेकिन वही है ना यार, अपने हाथ का खाने का ना मेरा मन नहीं कर रहा। मेरा मन कर रहा कोई मुझे बना के दे दे। तो अब मेरे घर में मेरे अलावा तो सिर्फ एक ही बंदा है जो ऐसा कर सकता है, मतलब मुझे बना के खिला सकता है, वो है मेरा भाई। लेकिन यार एक प्रॉब्लम है, वो ऐसे मैं उसको बोलूंगी तो ऐसे तो वो मानेगा नहीं मेरी बात। तो मैंने सोचा चलो उसके साथ एक ना चैलेंज कर लेते हैं। और हाँ, जो मैं चैलेंज करने वाली हूँ ना, मैं उसमें उसके साथ कोई स्कैम वैम नहीं करने वाली जैसे वो यूजुअली मेरे साथ करता है। अगर उसको अपना काम बनवाना है तो मैं एकदम जेन्युइन सा चैलेंज रखूंगी उसके सामने। अगर वो जीत गया तो मैं सिड्डू बनाऊंगी, अगर मैं जीत गई तो उसको भाई बनाने पड़ेंगे। और मेरी पूरी कोशिश वैसे यही रहेगी कि यार मैं ही जीतूं, क्योंकि मेरा सच में बनाने का बिल्कुल मूड नहीं है। हाँ, मैं गाइड कर लूंगी उसको, लेकिन मैं बनाऊंगी नहीं। वैसे जो चैलेंज मैं करने वाली हूँ वो एक कार्ड चैलेंज है। अभी मैं उसके पास जाती हूँ ना तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि वो चैलेंज क्या है। तो चलो यार फटाफट से पहले उसको भी समझा लेते कि चैलेंज क्या है। ऑल राइट, देख भाई मैंने तेरे लिए आज एक चैलेंज वीडियो लाई है। तैयार हो जा भाई, तू हारने के लिए आज, ठीक है? हाँ, तुझे बड़ा पहले ही पता, पहले सुन तो ले। अगर हारेंगे देख भाई, जो हारेगा इस चैलेंज वीडियो को उसको ना सिड्डू बनाने पड़ेंगे। सिड्डू देख, मेरे को आते तो नहीं बनाने, पर मैं बना दूंगा, फिर तेरे को खाने पड़ेंगे। वो चैलेंज होते हैं फिर अलग से। हाँ, मेरे को वैसे, अरे मैं करूंगी तेरे को गाइड यार, क्या टेंशन मत ले तू। बस तू पहले चैलेंज सुन मेरा। चल ठीक है। ये देख, ये कार्ड्स, ठीक है? ये यहाँ रखती हूँ मैं। पहले मेरे को कार्ड्स को देखने देख भाई। मैं कोई स्कैम नहीं कर रही हूँ भाई, मैं कोई स्कैम नहीं करती हूँ गेम में। ठीक है, ये दो येलो कार्ड है और एक रेड कार्ड है। मैं इन कार्ड्स को ऐसे शफल करके यहाँ पे ऐसे डालूंगी, ठीक है? एंड यू हैव टू गेस कौन सा रेड वन है। थ्री चांसेस मिलेंगे, थ्री में से अगर दो बार तूने रेड गेस कर लिया तो तू जीत जाएगा। अगर एक बार किया दो बार नहीं कर पाया तो मैं जीत जाऊंगी, सिंपल एज दैट। चल ठीक है, डन डन। तो ऑल राइट, हम ये चैलेंज स्टार्ट कर रहे हैं। इसको रेड वन करना है, रेडी है? तैयार एकदम। ये क्या है भाई? मुझे तो स्टार्टिंग में पता ही नहीं कौन करा था। नहीं भाई, मेरे को नहीं पता, वो ऐसे पता थोड़ी ना। अभी स्टार्टिंग में तो पता होना चाहिए कि लाल वाला ये है, अब ढूंढ के दिखा। गेम यहाँ स्टार्ट हो चुकी, चाहे चुपचाप से। क्या है भाई ये, क्या अपने रूल बना रही है? करना, मेरा गेम है, मेरा रूल है। चल, मैं तो चाहती हूँ ना मैं जीतूं, तुझे तो सिर्फ रेड वन करना। मैंने कोई चीटिंग थोड़ी की है, तेरे मुंह के सामने फेंका है, तू बता। जस्ट गेस इट। चल भाई, खाना भी खाना है भाई, जल्दी कर। वैसे तो तुम लोगों को शायद दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे ना एक उल्टा उन दो सीधे उन, तो इससे नहीं होगा ये। बट मेरे को लग रहा है ये हो सकता है, ये वाला पक्का। चल चल चल, अरे तीन राउंड करने हैं। चल नहीं, तू नेक्स्ट राइडर, ये नहीं है इसका मतलब। ये हो सकता, मेरे को खुद नहीं पता यार, मैंने फैन दिया, मेरे को खुद ही नहीं पता, मैं खुद ही बोल गई बात। यही होगा फिर तो। कौन सा वाला था, मेरे को क्या पता। देख लिया, मेरे को लग गया पता ऑलरेडी कौन सा है। मेरे को ऑलरेडी पता, बीच वाला है। माय गॉड, बीच वाला था, नहीं था बीच वाला यार। रुक जा, मैं बता दूं, ये वाला था। यस यस। अब थोड़ी है, ये तो चैलेंज हार गया है, मेरे को तीसरा टर्न करने की भी जरूरत नहीं है। चल फिर भी मैं तेरे को हराने के लिए ना तीसरी बार कर लेती हूँ। फिर बोल रहा था कि देखो गाइस, ऐसे बोलते हैं बिल्कुल फेयर गेम में हराना, इसकी तरह थोड़ी हर बार नकल करता है मेरे साथ, स्कैम करता है। तीसरी बार देख लिया, रेड वन। ओके, यार अभी मेरे को दिख तो गया, लेकिन मेरे को लग रहा है वो शायद से ना हो। बीच वाला ही है पक्का, खोल दे। यस, एक बार जीता है भाई चैलेंज, तू हार गया। तो भाई अब आपको खाना बनाना, तो चुपचाप से बिना टाइम वेस्ट करे, मुझे लग रही भूख।
और भाई तेरे को हार के कैसा महसूस हो रहा है? आइए गाइस खाना खजाना में स्मार्टी पाए, चलिए कम ऑन। हाँ तो भाई ये देखो, सिड्डू के प्रेपरेशन के लिए सबसे जरूरी होता है आटा, और डो ना मुझे खुद गुनना पड़ा। क्यों? क्योंकि 2 घंटे लगते हैं इसको राइस होने में, इसमें यीस्ट पड़ता है ना, तो तेरा आधा काम तो मैंने ही कर लिया, तेरे बस की नहीं थी ये। बाय द वे बात ऐसी है कि ये जो डो है इससे बोल रही है ना कि मुझे करना पड़ा, ये तुझे ही करना था क्योंकि मुझे नहीं आता गुनना है। तो भाई यही तो था। और ये मैंने आलू है यहाँ पे मैश करके रखे हुए हैं, ये तूने स्टफिंग अपने हिसाब से प्रिपेयर करनी है क्योंकि स्टफिंग का ही तो मेन जादू है इसमें, इसी की स्टफिंग स्टफिंग का जो टेस्ट आएगा। yes! और वहीं पे तो मैं आज गुल खिलाने वाला। yes! खाना खजाना कुछ पानी पाएंगे। ये यार तेरे मसाले रेडी, ये 2 प्याज छोटे छोटे, लहसुन वगैरह कुछ भी डालना तेरी मर्जी है, वो अब तू स्टार्ट कर फटाफट से बनाना क्योंकि बहुत भूख लग रही है भाई। अगर तुम लोगों को सिड्डू बनाने पाए तो ये हमारी हिमाचल की बहुत ही ज्यादा फेमस डिश है सिड्डू, एंड इसमें बनता है सिड्डू जिसमें मोमोज वगैरह बनते हैं ना, तुम लोगों ने खाया मोमोज रस्ते में, तो मोमोज वगैरह के इस बर्तन में बनते हैं हमारे सिड्डूस, इतना मुझे पता है। बोलते क्या इस बर्तन को बता? स्टीमर बोलते हैं इसको बाय द वे। इतना बेवकूफ मैं हूं नहीं भाई, इतना तो बचपन से सुना है हमने मम्मियों के मुंह से। अबे चीनी का डाल रहे है, ए नमकीन स्टफिंग है वो, क्या है भाई? नहीं चलो यार इसकी थोड़ी सी ना मदद कर देती हूँ, इसमें ना पानी वानी लगा लेती हूँ, नहीं तो ये तैयार रहेगा ना तभी ये सिड्डू टाइम से बनेगा, नहीं तो ये प्याज ही काटता रह जाएगा। फटाफट प्याज काट रहा, तू भी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन तो कर ही दे यार, देख थोड़ा बहुत तो मेरी मदद। वाह वाह क्या तरीके से काट रहा है भाई। प्याज आता है काटना यार, मैं खाना बनाया करता था, पहले मैं अकेला रहता था, मेरे पास तो कभी नहीं बनाया भाई खाना, अजीब। तेरे पास मैं क्यों बनाऊंगा, तू मेरे पास आना, तेरे को पहले खाना बनाना पड़ेगा। चलो कोई नहीं। तो यहाँ देखो भाई प्याज मैंने यहाँ पर काट दिया अच्छे तरीके से, इसको करते हैं मिक्स। अब इसके अलावा अपने को थोड़ा मसाले डालने हैं ना, मसाले में क्या है देखो मैं थोड़ा सा गैस करता हूँ, चीनी तो नहीं बढ़ती हो तो मजाक करता हूँ, इतना हमें पता है, इतना एक नमक डाल दे, थोड़ा कम डाल, थोड़ा कम खत्म डाल, ज्यादा के यार तू काय का कुक बनेगा रे, क्या कुक बनेगा तू? ये मैं ऐसा है कि मैं जबरदस्ती का कुक बन रहा हूँ आज, मेरे को कोई शौक नहीं चीज बनाने का, ठीक है? थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया है, आई गेस इतू सी लाल मिर्च डाल देते हैं फॉर सम कलरिंग, कश्मीरी लाल मिर्च बाय द वे, एंड थोड़ा सा क्या ये गरम मसाला। हाँ गुड गुड, अच्छा इनको अपने कोमल हाथों से, चम्मच से भाई हाथ से नहीं करेंगे हम हाथ से काम नहीं करते क्योंकि हमारे हाथ धुले नहीं है इसलिए। यार इतू मार साले का खोपड़ी तोड़। खाना बनाना एक साइड है, हाइजीनिक खाना खाना है मुझे, हाइजीनिक सिड्डू। और जब ये उबलेगा इस पे स्टीम लगेगी तो कोई भी कीटाणु को ऐसी मर जाएगा, ठीक है? खतरनाक शेफ, क्या शेफ बनेगा रे तू? ऐसा होता है भाई, ये टिप है मेरी तरफ से, हाथ धोने की जरूरत। क्या सोच है रे तेरी? वाओ ये देख के तो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लग रहा है, पर चल अभी तो खा के देख एक बार यार, मजा आएगा तेरे को। आज तो कोई आ भी रहे ना स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं। हाँ यार गाइस मैं बताना भूल गई, आज ना हमारे घर एक स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं जो इसके सिड्डू टेस्ट करने वाले हैं। बता ही देते हैं कौन स्पेशल गेस्ट है, कुछ और खाना खा भी पाएंगे। बता देते हैं ना स्पेशल गेस्ट कौन है, बता बता। यार एक्चुअली हमारे डैड आ रहे हैं आज बहुत टाइम बाद हमसे मिलने, तो ये तो उनके लिए सरप्राइज हो जाएगा, हम उनको ये बताएंगे नहीं कि ये सिड्डू इसने बनाए हैं, उनको जैसा ऐसे टेस्ट करा लेंगे, देखते हैं उनका जेन्युइन रिएक्शन देखना चाहती हूँ मैं कि क्या रिएक्शन होगा उनका। इसमें डालेंगे कैसे इसके अंदर यार, मतलब यार ये है ना घी यहाँ पे, इसको अपने हाथ पे लगा, इसका गरम घी है भाई? नहीं है गरम भाई, नहीं है नहीं है नहीं है, नहीं है। अब देखना इसको पहले सुन ले भाई, पहले ही लगाने लग गया। हाँ जैसे तूने ये लगाया ना, फिर इसको पकड़ना है, इसका गोला जैसा बनाना है, लाइक जैसे हम आटे के पराठे, आलू के पराठे के वो नहीं करते, आटे के पराठे आलू के पराठे के जैसे। हाँ मैंने बना दिया, जैसे इडली होती है। थोड़ा और ले, थोड़ा और ले। हाँ बहुत बढ़िया एकदम। अब इसको तुमने डूंगा करना है, ऐसा अपनी लोकल लैंग्वेज का इस्तेमाल यहाँ मत कर, लोगों को समझ नहीं आएगा। डूंगा मतलब कि इसको थोड़ा गहरा जैसा करना है, गहरा करना है। हाँ उसमें स्टफिंग भरनी है, थोड़ा मैं इसमें घी लगा रहा हूँ। हाँ घी लगाना इज वेरी कंपल्सरी, रुक जा इसमें भी घी लगाना पड़ता नहीं तो ये चिपक जाते हैं। और ऐसा तो नहीं करना है कुछ चपाती टाइप तो नहीं? नहीं 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 नहीं, हाँ हाँ थोड़ा सा कर ले, थोड़ा सा कर ले, चल थोड़ी सी। बोल नहीं रहा कुछ भी इसको? ए बस कर, पूरी नहीं बनानी हमने, सिड्डू बना रहा है। हाँ अब इसमें स्टफिंग भर, और जैसे परांठे के लिए बंद करते ना वैसे करके चुपचाप से इसमें डाल। आई गॉट, अभी मेरे को समझ में आ गया एग्जैक्टली क्या करना है ना। चल रुक जा तू एक सेकंड, तू ऐसा कर वहाँ पे घी लगा देना उसमें, आने तो चिपक जाएगा नीचे। ओके ओके, अबे यार तू हाथ से करा, तूने बोलता हाथ नहीं धोए थे तूने? मैंने धोए थे बाय द वे, हम व्लॉग के लिए कुछ भी बोल देते, ठीक है ना? ये भी ठीक है, कंटेंट मैंने धोए थे कुछ भी कंटेंट। मैं इसके यूं करके बंद कर रहा हूँ, ठीक है? अगर ये खराब हो गया ना भाई, वो ये क्या कर रहा है अभी, सीन हो जाएगा फिर।
जैसे परांठे के लिए थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके करते हैं ना, थोड़ा सा चाहे बच भी जाए आटा तो उसको यहाँ पे वापस डाल दियो। यूं ठीक है ऐसे? यस यस यस। और यूं करके बंद किया? हाँ हाँ। ओह वेरी गुड, दैट्स इट। थोड़ा सा और चपटा करो, थोड़ा सा और चपटा, क्योंकि ये फूलने वाला है अभी काफी ज्यादा ना। यस ऑल ऑफ डाय रख दो। हाँ रख दे, मैंने घी लगा दिया इसके ऊपर भी ताकि ये चिपके नहीं नीचे ना, नहीं तो चिपक जाता है। एंड दैट्स इट, पहला सिंड्रोम हमारा तैयार। चलो फटाफट से सारे बना ले, भूख लग गई यार। ये हाथ से टशन मारते हुए अपने आप को बिल्कुल शेफ समझने लग गया भाई ये। बढ़िया यार, तू बना लिया कर कभी कभी ना खाना, या तो तेरे से चैलेंज करके ही थोड़ी मैं खाना बनवाऊंगी, ऐसे भी बना लिया कर भाई। बनेगा भाई खाना से मेरे तरफ से बनना नहीं बनेगा भाई जी। निंजा टेक्निक, वाओ डंपलिंग। तू तो मोमोज भी बना लेगा इजीली है ना। वैसे मैं मोमो की रेडी खोल देता हूं, तेरे को वहां पे मैं रख दूंगा। हां तू शेफ बनियो, मैं मोमोज बेच लूंगी, ठीक है ना। मस्त आइडिया ना एकदम। हाँ यार ठेला खोल देते हैं यहाँ पे, स्मार्टी ठेला रख सकते हैं। आइए आप भी हमारे स्मार्टी ठेले के मोमोज खाइए। और ये इसने देखो सारा आटे का बना दिया, थोड़ी सी स्टफिंग बच गई तो चलो किसी और में भी काम आ जाएगी। देखो यार गाइस, मतलब ये देखने में ना बहुत सही लग रहा है। आई मीन वेल डन यार, वेल डन। थैंक यू सो मच। आप खा के बताइएगा इसके बाद। उम्मीद नहीं थी मुझे, मैं तो खाऊंगी ना, पापा भी खाएंगे साथ में। अब जब ये पक जाएगा तो प्लीज अपना वोट हमें दीजिएगा, ठीक है, किसी और को मत दीजिएगा। चलो भाई अब तो लग रही है मुझे बहुत ज्यादा भूखा हुआ, हमें सिर्फ 7 से 8 मिनट का वेट करना है, उतने में पक जाएंगे और खाना खाएंगे आराम से ना। यस, टेस्ट का असली उसकी क्या बोलते हैं, मैं वो हूँ जज, जज नंबर वन और जज नंबर टू होंगे पापा। अब दोनों के रिव्यू जरूरी है ना, और अगर बढ़िया बनाए होंगे तो तुझे किया कुछ तो मिलना चाहिए यार तुझे। वैसे ना मतलब क्या दे सकते हैं तुझे। गाइज जो ये डिश आज हम बना रहे हैं सिड्डू, इसके लिए हम बेसिकली आलू की स्टफिंग का यूज नहीं करते हैं। इसमें एक दाल आती है, मुझे नाम नहीं पता, उसकी स्टफिंग होती है, या तो फिर ये मीठे बनते हैं। अगर नमकीन में है तो वो उस दाल की स्टफिंग होती है। इसमें उसको रात को भिगो के मैश किया जाता है सुबह, और उसमें मसाले डाले जाते हैं। और अगर मीठे में होती है तो गुड़ की स्टफिंग होती है इसमें। सो गाइज द मोमेंट ऑफ ट्रूथ, लेट्स सी कि ये कटा हुआ क्यों है भाई बीच में। लो यार ये मैंने चेक करने के लिए किया था कि ये पक गया कि नहीं पक गया, पर पक चुके हैं अभी ना। अंदर भूकंप आ गया बेचारा, दो तरफ टूट गया मेरा ये, कह रहे थे इसको पक गया ना ये। हां हां पक गया, पक गया, इसको मैं बंद कर लेता हूं। यस, और मुझे फटाफट से टेस्ट का टेस्ट नहीं किया मैंने अभी तक, लेकिन ये टेस्ट तो तेरे को मेरे सामने करना पड़ेगा। हां हां बिल्कुल, काम करते हैं ये। ले भाई आजा, और तेरे को जो तूने काटा है ना तू खाएगी तो ये वाला भाई, मैं नहीं खाऊंगा इसको, हम तो पूरा वाला खाएंगे। कोई बात नहीं, इसको मैं टेस्ट कर दूंगी ना अभी। ये रही मेरी स्पून आई, अब यार बाहर नहीं आ रहा उसका तैसी। कितना वायलेंट तरीके से निकाला है। चल मैं थोड़ा सा टेस्ट कर, जरा कैसा लगता है, कैसा है। तो स्टफिंग भी डालना है इसमें यार। ये ला, ये स्टफिंग डाल दी, नाउ टेस्ट। ओके टेस्ट टेस्ट, मोमेंट ऑफ ट्रुथ के देखते हैं यार इसको, मेरे को कैसे पसंद। गर्म है यार, थोड़ा ठंडा कर ले तो अभी मुंह जल जाएगा, नीचे फेंक देगी सब कुछ। खत्म, वाले तो क्यों पानी पी ले जल्दी। टेस्ट कैसा है? अच्छा है। अच्छा लगा, ऑसम है यार। अमित तेरे से मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तू कभी सिड्डू बनाएगा, मजा आ गया, मान गए भाई। मैं अकेला रह सकता हूँ, ये लेट्स गो। गेमर के साथ साथ शेफ भी है बंदा, रह सकता है अकेला, सही बात है। मेरी जरूरत नहीं ना, मैं जाती हूँ। जा रहे यार तू कुछ। गाइस डैड आ चुके हैं और मैंने डैड को हित्तू ने जो बनाया है सिड्डू टेस्ट कराना है, लेकिन उससे पहले आप ये देखो डैड अपने साथ क्या लेके आए। पापा ने हमारे लिए ऑलरेडी सिड्डू लाए हुए थे, ये है जो बाहर से लाया सिड्डू है, और ये है जो हित्तू ने बनाया था सिड्डू। पापा लेके आए सिड्डू, अब उनको उन्हीं के सिड्डू टेस्ट कराते जो खरीद के लेके आए हैं। खा के देखो पापा, ये आप अपना मीठा वाला लेके आए हैं, मस्त मस्त है ना। तो ये कैसा ब्राउन सा दिया है उन्होंने, ये नहीं मेरे को समझ आया। ये क्या है? वही तो, ये भी सिड्डू ही है, उसके अंदर था जो आप लेके आए पैकेट, नमकीन सिड्डू ये वाला है। ये आटे वाला होगा, ये मैदे का है। अच्छा, ये आपको ऐसा लग रहा है कि आटे का मैदे का है? ऐसा लग रहा है, टेस्टी है।
टेस्टी है। अरे वाह वाह वाह। और अगर मैं आपको ये बताऊं कि आप ये बाहर से लेके नहीं आए, ये आपके लड़के ने बनाया है सिड्डू। हितू के बने हुए सिड्डू है ये, हितू ने बनाया आज ये। अरे झूठ नहीं बोल रही पापा को, ना बिलीव ही नहीं हो रहा पापा को। अरे हितू ने बनाया, आई स्वेयर हितू ने बनाया। आज ना हमने एक सिड्डू चैलेंज, हाँ ये वाले, ये वाला, ये वाला। और डैडी बोल रहे झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोल रहे, बहुत टेस्टी है, मुझे खुद नहीं पता क्या है। डैडी बोल रहे ये आटे का बना है, ये शायद मैदे का बना, इसलिए ऐसा दिख रहा है। और पापा को बहुत अच्छा लगा यार। आज तो ना गाइस बहुत सारे सिड्डू खा लिए, अब तो पेट भी काफी भर चुका है और काफी ज्यादा एक्साइटिंग डे रहा आज का। तो अब मैं वीडियो का यही एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो आप लोगों को पता आपको क्या करना है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। मैं आप लोगों से मिलती हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या।